पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की पुलिस गुमराह करने में अव्वल रहती है। मुरादाबाद पहुंचने वाली बाल संरक्षण आयोग की सदस्य अनीता अग्रवाल को भी मुरादाबाद की पुलिस दिन भर गुमराह करने में कामयाब रही, लेकिन जब मीडिया के लोगों ने मुरादाबाद के चर्चित बच्ची कांड पर सवाल किया तो अनीता अग्रवाल कैमरे पर ही कह उठी कि आरोपी कोई भी हो लेकिन उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुरादाबाद पुलिस की कार्यशैली को देखकर एक बार फिर साफ हो गया कि निर्यातक को बचाने में पूरा अमला लगा हुआ है। आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सदस्य अनीता अग्रवाल मुरादाबाद पहुंची थी, जहां पर उन्होंने मुरादाबाद की विभिन्न संस्थाओं से बातचीत की और विभागीय अधिकारियों से बच्चों के विषय में जानकारी ली। इस दौरान मुरादाबाद पहुंची अनीता अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बच्चों के नौनिहाल को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, अनेकों कार्यक्रम के तहत बच्चों के भविष्य को संभालने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन जब उनसे मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन से निर्यातक की गाड़ी में उठाई जा रही बच्चियों के विषय में सवाल किया गया तो वो मामले से अनभिज्ञ दिखाई दी और फिर अपने सहयोगियों से बातचीत करती हुई नजर आई। पहले तो उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब मामले को मीडिया के द्वारा बताया गया तो उन्होंने कहा कि आरोपी कोई भी हो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना यह होगा कि निर्यातक के खिलाफ हुई कार्रवाई कब तक अमल में लाई जाती है और उसे कब तक जेल भेजा जाएगा। लग्जरी गाड़ी में एक व्यक्ति बच्चों को बैठा रहा था और वो बच्चे भीख मांगने वाले थे, तो हमारे महिला मोर्चा अध्यक्ष हमारे साथी बोली, हेमा जी देखिए ये क्या हो रहा है, ये लगता है कि बच्चों को कहीं लेके जा रहा है। हमें मतलब शक्सा हुआ, हमने वहाँ गाड़ी को रोका भागते हुए और वो गाड़ी को भगा रहा था पब्लिक के सहायता से और हम लोगों की जो महिला मोर्चे की कार्यकर्ता थे उनकी वजह से हमने गाड़ी को रोक लिया और उससे पता चला। वो बच्चों ने बयान दिया कि ये हमारे को रोज ले जाता है और क्या नाम है, हमें नशा देता है और वीडियोस दिखलाता है, हमारे संग गलत कार्य करता है। संज्ञान में ये मामला डाला गया कि जो मामूली सी धाराएं थी उससे हम लोग खुश नहीं थे कि ये गलत कार्य आगे मतलब पनपे ना, है ना, और पूरा संज्ञान ली जाए, जबकि एसपी साहब ने पुलिस स्टाफ ने बहुत सहयोग किया और दोबारा गिरफ्तार कर उसके जेल भेज दिया गया। और नाबालिग बच्चे ही थी और बच्चों को ये भी कहना है कि हमारे साथ गलत काम होता था, तो आपका जो बाल संरक्षण आयोग है क्या कार्रवाई की मांग करेगा और क्या इसमें तो पूरी कार्रवाई हो ही होगी, ऐसा नहीं है। मैं अभी तो कोई कार्रवाई नहीं बता देता हूँ। उसमें पुलिस के द्वारा पहले ड्राइवर को एक नॉर्मल धाराओं में सिर्फ कमेंट पास करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन जब मीडिया ने इस मामले को हाईलाइट किया तो उसमें पॉक्सो एक्ट तक लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई अरेस्टिंग इसमें नहीं। आप कह रहे हैं पॉक्सो एक्ट लगा दिया गया, उसके बाद अरेस्टिंग नहीं हुई। मेरा तो वैदिक क्या कहना है, तो बाल की बात मैं पता करती हूँ, आप पहले बताते थे यहाँ पे बैठे थे, मैं उनसे बात करती कि क्या है मामले में, उनसे बात कर लेती, पूछ लेती। इतना बड़ा मामला और मुरादाबाद में आप हैं उसके बावजूद आपके संज्ञान में नहीं, आपके संज्ञान में नहीं, बहुत बड़ा मामला है। क्या ऐसा कोई है और मजे की बात यह है कि भाजपा की महिला मोर्चा की सदस्य मेंबर्स ने ही उसे पकड़ा, महिला मोर्चा ने पकड़ा में उनकी तरफ से। मैं इतना जानती हूँ कि देखिए एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार में अपराधी कोई भी हो, चाहे यहाँ अपना हो चाहे अपराधी, वो बचेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं वो उस पर कार्रवाई अवश्य होगी, ये मैं इस इसका आपको पूरा श्योर करती हूँ। आज मैंने आपने नॉलेज में डाला, मैं इसका पता करती हूँ और अगर ऐसी कोई बात है तो उसको मैं जल्दी से कार्रवाई कराने की बात करूंगी। और ऐसा मैं एक चीज का बिल्कुल निश्चित समझ लीजिए, अपराधी बख्शा नहीं जाएगा कहीं का भी, ये हमारा स्टिक है। हमारे योगी सरकार इस मामले में बहुत ही सख्त है, वो तो कहती है कि चाहे हमारे कोई अपराधी होता है वो किसी पार्टी का संरक्षण नहीं प्राप्त होता। पहली पार्टियां जो थी अपराधियों को संरक्षण देती थी, मैं तो खुद कहती हूँ कि अपराधी चार साल में बड़े नहीं हो गए, चार साल में हमारी तो चार पांच साल से सरकार आई ना, अपराधी चार साल से नहीं पैदा हो गए। ये अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टियां ने अपराधियों के हौसले बुलंद किए थे, अब तो हौसले उनके परस्त हुए। अश्योर करती हूँ आपको कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। अगर ये मामला है, इस मामले की मैं गहराई से जानकारी करती हूँ, मैं जैसा आपको बताऊँ। यदि इसके बावजूद भी इस तरीके के मामले सामने आते हैं और संरक्षण जो शब्द आपने इस्तेमाल किए, अपराधियों को उसके बावजूद भी अरेस्ट नहीं किया जाता,
तो क्या उसे मान लिया जाए कि उन्हें मैंने आपसे कहा ना मैंने यूं कहा जाए कि इसमें कहीं ना कहीं नहीं नहीं कहीं मिली भगत नहीं है कहीं संरक्षण। मैंने कहा अपराधियों को संरक्षण हमारे यहाँ से कभी नहीं हो सकता और अपराधी मुक्त हमारा उत्तर प्रदेश काफी कम हो याद हो जब अपराधी या तो उत्तर प्रदेश बाहर है या जेल के अंदर है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।